राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। जो कल तक एक साथ थे वो आज एक दूसरे की गर्दन पकड़ रहे हैं। झारखंड की राजनीति के दो धुरंधर यशवंत सिन्हा और सुबोध कांत साय को ही देख लीजिए। सुबोध कांत ने झारखंड घोटाला में यशवंत सिन्हा का नाम क्या लिया वो सुबोध कांत साय को देख लेने की ही बात करने लगे। सुबोध कांत साय आज सरकार में मंत्री है, भारत सरकार में उनके अगर कुछ भी औकात है भारत सरकार तो वो तुरंत हम लोगों को जेल भेजे। 78 में जब मैं एमएलए बना था तो यशवंत सिन्हा जी पीए हुआ करते थे, पीए जो आप गला में पट्टा डाल करके है, वो पीए थे। कभी एक ही पार्टी में रहे यशवंत सिन्हा और सुबोध कांत सहाय एक दूसरे की औकात नापते नजर आए। दरअसल सुबोध कांत ने झारखंड घोटाले में मधु कोड़ा के साथ यशवंत सिन्हा और अर्जुन मुंडा के खिलाफ भी जांच की मांग की। इस आरोप से यशवंत सिन्हा बौखला उठे। दिक्कत यह है कि सुबोध कांत सहाय की दिल्ली में चलती नहीं है, झारखंड में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दिल्ली में उनकी क्या औकात है ये हमारे जैसे लोग जानते हैं। पलटवार करते हुए सुबोध कांत ने भी यशवंत को मौका परस्त करार दे दिया। तो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। चंद्रशेखर से लेकर अडवाणी तक का इनकी जो यात्रा रही है वो उसका उदाहरण है। बीजेपी के यशवंत सिन्हा और कांग्रेस के सुबोध कांत सहाय दोनों झारखंड की राजनीति के दिग्गज हैं। विधानसभा चुनाव का नतीजा भी आने ही वाला है। जाहिर है कौन कितने पानी में है इसका पता भी जल्दी ही चल जाएगा। धर्मवीर सिन्हा, रांची आज तक।